हाय फ्रेंड, मैं चेतन फिटनेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा। आज दोस्तों मैं अपने भैया की एक वीडियो रिकॉर्ड, वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो रिकॉर्ड किया हूँ मैं। उसमें दोस्तों उन्होंने बताया कि बैक किक को और भी ज़्यादा इम्पैक्ट कैसे लाते हैं, सही तरीके से बैक किक को कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको बैक किक सीखनी है तो इस वीडियो से आप आसानी से सीख सकते हैं। और अगर दोस्तों आप मास्टर सैलेश जी यानी कि मेरे भैया जो हैं उनके अगर आप फ़ैन हैं तो मेरे चेतन फिटनेस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं उनकी भी वीडियो कुछ कुछ अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। मेरे साथ भी वो वीडियो कई कई बनाए हैं, वो आप मेरे चैनल की पे जाएंगे तो वो वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा। और दोस्तों, मैं इसलिए अभी वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया था, मेरे को दोस्तों पीलिया हो गया, जिस वजह से अभी मैं रिकवर हो नहीं पाया अच्छे से। इसीलिए मैं अपनी कुछ दिनों से अपनी पहले की वीडियो भी डाल रहा हूँ और कुछ कुछ वीडियो अलग टॉपिक पे भी बन रही हैं। तो दोस्तों, जैसे ही मैं ठीक हूँ अपनी खुद की भी वीडियो बनाऊँगा। और दोस्तों, यही बस मेरे को आपको बताना था कि अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको बैक किक सीखना है तो इस वीडियो से आप आसान से सीख लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलो, जो नहीं आ रहा वही प्रैक्टिस करना है। क्या यहाँ से, यहाँ से करो, पैड है यहाँ, खड़े हो यहाँ, ये तो यहाँ के लिए हो गया। सामने मारो उसके, सामने से भले ना लगे, रस्सी तोड़ रहे अपना, ये धीरे 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 एडजस्ट करके तंग कर रहे हो। जर्क दो शेखर, उसमें झटका मारो, निचले पैर से भी ऊपर वाले पैर से जर्क मारो ताकि चोट अंदर तक बैठे। क्या नॉकआउट की चोट है ये, इसका खड़े आखिर से पलट गया। चलो पकड़ो, किसको उधर क्यों जाने दे, हाथ पर फैला लोगे तो डिसबैलेंस हो ही जाओगे। ये खड़े हैं और ये पूरा हाथ, ये और ये हाथ उधर, पूरे बॉडी को स्ट्रेट में रखो। तो क्या ठीक है, तो क्या एडजस्ट क्यों कर रहे हो पैर को, वहीं से जंप लो कस के। तो क्या या कहाँ कहाँ खड़े हो, कहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े रहो यहाँ पे। अब हल्का से स्किप करके मारो। तो क्या हाँ, कैसे आ गई पैर, अब ये जो पैर ऐसा लग रहा है उसको इस तरीके से बनाओ, जाते क्यों। चलो क्या क्या हम लंगड़े पैर से मारेंगे, वो रोक नहीं पाएगा। देख रख मारिएगा, हाथ लगाओ, हाँ मुझे लगेगी मन पसंद करो। कितना डर है, मेरा स्टूडेंटों को डरता है, कैसे फाइट करेगा फिर को। रेडी मुझे हिम्मत नहीं थी रोक दे, क्योंकि फोर्स आ रहा ना, हम यहाँ तो खड़े ही हैं, बॉडी भी आके ले जा रहे हैं और पैर मार कितना नीचे से स्किप भी कर रहे हैं, तो उसको तीन गुने का फोर्स हो गया, वो तो आम आदमी को लेकर बैठ जाएगा। फोर्स लो, धक्का लो उसमें, जर्क से मारो, फिर बिना जर्क से मारो, हमारो क्या हम लगा, हमारा लंगड़ा पैर बच्चा नहीं तो तुम्हें दिखाते जंप किक कैसे कैसे मारते हैं। क्या है, हाँ 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 बंद कर देना भाई, चाबी बंद कर देना। क्या क्या राउंड हो रही किक लग के ऐसे घूम रही है, जैसे राउंड किक मार मन मार के दे ना, मारो जाने। अरे तुम बुरुजली हो, उछल के हुआ चले जाओगे है ना, पेड़ के उस पार जाओगे, यहाँ उछल तब मारोगे। ये बात, पैर तो खोलो बच्चा, खोलेंगे वो सही है, वाइट बेल्ट में बैक किक नहीं सिखाया जाता है,
मगर एडवांस करोगे तभी तो कल को आगे बढ़ोगे ना। चलो अच्छा हाँ ठीक है, देखो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं है। अच्छा करते रहो आ जाएगा। अच्छा क्या क्या स्टॉप, कभी भी याद रखिएगा लाइफ में जो आपकी कमजोरी है वही आपकी ताकत बनेगी। नहीं समझे, जो आपकी कमजोरी है ना वही ताकत बनेगी। हमारा डोलियो कमजोर है तो उसकी हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है ना कि वही हमारी मेन किक हो जाए, वही आपका ताबड़तोड़ गेम बनेगा। क्योंकि वो नील है, उसमें कुछ है ही नहीं, वो साफ है। उसमें आप स्टार्ट से भरेंगे ना तो उसमें बेसिक्स भी होंगी, उसमें फंडामेंटल्स भी होंगे, उसमें निक्स भी होंगे, सारी चीज़ें उसमें होंगी, तो वही आदमी का मेन बन जाता है। हम पैर से लेफ्टी हैं, हाथ से राइटी हैं, पता है नहीं पता है? हमारा लेफ्ट पैर जितनी तेज चलता है उतना राइट नहीं चलता है। हमने लेफ्ट से ही सबसे ज़्यादा नॉकआउट्स मारे हैं आज तक। मार्शल आर्ट सीखने में तो ये नहीं कि रोड पर जा रहा मारे तोड़े फेंक दिया, गुंडागर्दी के लिए था ना मार्शल आर्ट है। ये नहीं हम आप हमें मार्शल आर्ट सिखाने जाकर गेट पर मारा मारी करने लगे। अपने आप को डेवलप करना, नाम बनाना, अपनी पहचान बनाना, पैसा बनाना, ये सब मार्शल आर्ट है। झुकी का आपको नहीं आ रही है, कभी भी एक कहानी आपने सुनी होगी, मुझे आपके उस 10,000 किक से फ़र्क नहीं पड़ता जो आपने एक बार प्रैक्टिस करके छोड़ दिया है, उस किक से फ़र्क पड़ता है जिस एक किक को आपने 10,000 बार से ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। लाइफ टाइम आप प्रैक्टिस करते आए तो हमारा बैक किक मेन है, हमारा राउंड किक मेन है, उसके जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना माहिर होते जाएंगे उसमें। उस माहिरपने को ही रिंग में दिखाना होता है। आपकी बैक किक नहीं आ रही, मैंने कल भी आपको समझाया, परसों समझाया, उसी को करते रहो। जो चीज़ नहीं आ रहा उसी करते रहो। उससे होता क्या है कि वो आप दिन पर दिन डेवलप करते चले जाते हैं, तो वो स्टार्ट से हो रहा है। जो भी चीज़ स्टार्ट से होती है वो बेहतरीन होती है। सबको पता है हमारा राइट पंच तेज मारता है, तो राइट पंच से आप हमेशा काम करते हैं तो ऑटोमेटिक चलेगा, पर लेफ्ट पंच बिल्कुल नहीं चल रहा तो बेसिक्स से शुरू होगा। इसीलिए जो बेसिक्स की चीज़ें होती हैं, जिसका जड़ मजबूत होता है उसका फल भी अच्छा होता है। समझ में आया? पावर क्रिएट करानी थी आप लोगों के अंदर, पावर क्रिएट हो चुकी है, धीरे धीरे और होगी। अब स्पीड डेवलपमेंट का लाना है, इम्पैक्ट लाना है। इम्पैक्ट का मतलब पूरा झटका, पूरा फोर्स, पूरा पंजा, पूरा पंच वो लगना चाहिए, उसमें बराबर बैठना चाहिए। ठीक है, किक मार रहा नहीं, टाइकोंडो की किक ये रखी और जो घुमा दिया पूरे अंदर से मारे। टाइकोंडो गेम क्यों डेवलप होता जा रहा है, रीज़न है उसका। रीज़न ये है कि उसमें मौका नहीं मिलता अगले को। कराटे वाला किक कहाँ मारता है, और टाइकोंडो वाला अंदर से खींच करके, तो क्या होता है मैं तो मार रही तो बैक किक खा जाएगा, मुझे हिप बाहर है, बॉडी अंदर है, तुरंत बैक नॉकआउट खा जाएगा। और डोलियों मार रहा है टाइकोंडो वाला तो बॉडी तो सीधी कहाँ से मारोगा, मौका चांस ही नहीं बनता मारने का। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्यार से लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।